दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको पलंग कौन सा खरीदना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पलंग फर्नीचर मतलब खरीदारी करने के बाद एहसास होता है कि हमको ये पलंग नहीं खरीदना था, जो कि कंपनी मालिक 10 साल का गारंटी लिया होता है उस पलंग का, फिर भी हमको एहसास होता है कि हम ठगा गया हूँ ये फर्नीचर खरीद करके। जैसे सैंपल के लिए मैं ये देखिए, मैं एक पलंग ये लिया हूँ, दूसरा ये है और तीसरा पलंग ये है। तीन पलंग मैं लिया हूं आपको जो है दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कंपनी मालिक की 10 साल की गारंटी के बावजूद भी आपको क्यों एहसास होता है कि आप जो है ठगे गए हैं, ये फर्नीचर आपको नहीं लेना था, दूसरा लेना था। जैसे ये देखिए, कोई भी कंपनी मालिक होता है अगर फुल लकड़ी में बना हुआ है तो 10 साल की गारंटी लेगा, और प्लाई में बना हुआ है तो 5 साल की गारंटी लेगा। लेकिन जो मेरे पास बना हुआ है, पीछे एक प्लाईवुड लगा हुआ है और सामने का जो डिजाइन है ये सागवान का बनाया गया है, तीनों खटिया सेम है। इसमें भी पीछे प्लाईवुड है और सामने सागवान का डिजाइन है और ये भी सेम है, वैसे ही है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको मिस्टेक कहां से जाता है, जो भी कंपनी मालिक अगर गारंटी लेता है 10 साल का तो वो दो चीजों का गारंटी लेता है। एक तो गारंटी होता है कि लकड़ी अगर सड़ जाए तो, और दूसरी गारंटी होती है कि लकड़ी में दीमक लग जाए तो, और यही चीज की गारंटी होती है और किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, आपके साथ धोखा क्या हो जाता है, जैसे ये पलंग हमारे पास है तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इससे थोड़ी सी लाइफ कम इसकी है और इसके मुकाबले इसकी लाइफ थोड़ी सी और कम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, ये एक पीस जो लगा हुआ है, देखिए एक ज्वाइंट है यहाँ पे, सिर्फ एक, मतलब दो लकड़ी को मिला के ये मोटा बनाया गया है। शायद कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, तो ये है और इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, और ये जो एक एक पीस लगाया गया है इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, तो इसमें जो है कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और अगला है ये देखिए, ये जो डिजाइन बनाए गए हैं जगह जगह ज्वाइंट है, यहाँ देखिए एक यहाँ ज्वाइंट लगाया गया है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसमें जो है मल्टीपल ज्वाइंट लगा करके ये डिजाइन बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये देखिए, इसमें तो और ज्यादा ज्वाइंट है, एक यहाँ ज्वाइंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इसमें भी छोटे छोटे ज्वाइंट लगे होते। तो ये दोस्तों तीनों खटिया हैं, अपना अपना चॉइस हो सकता है, आपको ये डिजाइन पसंद आ सकता है या ये पसंद आ सकता है या ये पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2-4-10 साल के बाद भी आपको ये एहसास न हो कि मैं ठगा गया हूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सिंपल पलंग जो है चूज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सिंपल से सिंपल खरीदें, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिजाइन लेंगे उतना ही आपको महंगा पड़ेगा और उसकी लाइफ थोड़ी सी उतनी ही कम होगी, और जो है लाइफ कम होगी तो कंपनी मालिक का जो है सिर्फ एक ही गारंटी होता है, लकड़ी का सड़ने का और दीमक लगने का, ज्वाइंट खुलने का और पॉलिश का कोई गारंटी नहीं होता। वो सिर्फ ये बोल देता है कि खुलेगा नहीं, लेकिन ज्वाइंट तो लगभग खुल ही जाता है, कोई भी फेविकोल लगाया जाए 2-4-6 साल के बाद जो है थोड़ा थोड़ा क्रेक आना शुरू हो ही जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि सिंपल से सिंपल ज्यादा खरीदे, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा होगी। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।